श्री राम मेरे भाइयों, सभी को भगवान राम के लिए बहुत बहुत राम राम। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, प्रताप इंक्लेव उत्तम नगर के अंदर ये रिक्शा, ये गाड़ी हमने रोकी है और इसमें ये भाई, भाई नाम बताओ अपना, हैं जावेद। और जब मैंने आपको पकड़ा था तब आपका नाम क्या था? पूरा नाम राहुल पंडित। राहुल पंडित नाम था। और आई कार्ड कहाँ है भाई? ये राहुल पंडित के नाम से इन्होंने ये आई कार्ड बना रखा है, ठीक है ये। और इसके नीचे ये हंसराज के नाम से इन्होंने, जो इनके गौशाला के जो इंचार्ज हैं, संचालक हैं, उसके नीचे भी इसने अपना ही मोबाइल नंबर रखा हुआ है। विकासपुरी बुडेला गांव की कहीं की ये बता रहा है कि ये गौशाला है, लेकिन वहाँ पे कोई गौशाला इससे मैच नहीं हो रही है। एक दूसरी बात, इसने अपना कोई और आई कार्ड नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि इसके पास कोई और का आई कार्ड है नहीं। बाद में मैंने ट्रू कॉलर पे जब इसका नाम और मोबाइल नंबर डाला है तो उस पे इसका नाम जावेद निकला है। अब समझना ये है इनमें इसकी क्या मंशा है, जो ये गलत नाम से गलत आईडी बना के कोई भी गौशाला वाला किसी और का अलग नाम से कभी भी कोई आईडी नहीं बनाता है। अब इसने अलग नाम से कोई आईडी बनाई है तो इससे क्या मंशा है? क्या ये गलियों में रेकी करते हैं? क्या ये गलियों में चेकिंग करते हैं? क्या ये हमारी गौशाला के खाने के अंदर कुछ मिला के डालते हैं? तो हमें ये चेक करना है, ये समझना है। और ये लड़का कौन से जिम है भाई? जिम कौन सा है? फास्ट एंड फिटनेस कोई जिम है द्वारका मोड़ के पास, 810 पिलर पे, 810 पिलर पे, जहाँ पे ये लड़का बोलता है कि मैं जिम में ट्रेनिंग देता हूँ। तो कृपा करके जिम में एक्सरसाइज करने वालों से रिक्वेस्ट है, ऐसे फ्रॉड लोगों से कुछ सीखना तो कभी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीखने लायक है नहीं और सिखाने लायक नहीं है। हिमालय नाम के ओनर हैं, जो इस जिम के ओनर हैं, उनके जिम में ये लड़का काम करता है। और उसके बाद ये सारी बातें अभी तक जो बताई सब झूठ बताया इसने। तो कोशिश यही है कि आने वाले समय में सभी लोग ध्यान रखें, और गली में रहने वाले सभी लोगों को, सभी महिलाओं को भी सूचित किया जाता है कि ये जो हमारे यहाँ घर से खाना जा रहा है गौशाला के लिए, क्या ये सही जगह जा रहा है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो कृपा करके ध्यान दें, और आपकी गली में कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे, कृपा करके एक दूसरे को सूचित करें, थोड़ा ध्यान रखें, ताकि ये विश्वास क्लियर रहे कि हमारी गली में सब कुछ सेफ है।